हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डिज़ाइन लेके आई हूँ, जो दिखने में तो थोड़ा कठिन लगेगा लेकिन बनाना बहुत ही आसान है। देखो फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें इवन नंबर पे फंदे चाहिए, यानी जोड़े के हिसाब से हमने फंदे रखने हैं। तो मैंने इस पर 10 फंदे लिए हैं। तो देखिए, ये डिज़ाइन हमारा 4 सिलाइयों का है और उल्टी तरफ से ये डिज़ाइन स्टार्ट होता है। बैक साइड से देखिए फर्स्ट रो कैसे बनानी है। पहला फंदा हमने स्लिप करना है, इसके बाद 2 फंदों पे हमने सिलाई डाली। ये देखिए, इस तरह से एक फंदा हम बनाएंगे इन 2 फंदों में। ये देखिए, इस तरह से उल्टा लूज बनाएंगे इस फंदे को, फिर एक बार हम धागा लपेटेंगे ऐसा, फिर से हम इन 2 फंदों में एक फंदा और बनाएंगे। अब एक बार और हमने आगे वाले जो फर्स्ट वाला फंदा है इसे बुनना है एक बार और। देखिए इस तरह से ये हमारे एक फंदे पे हमारे 4 फंदे बन जाते हैं। देखिए एक फंदे पे 4 फंदे। फिर से हमने इन्हीं 2 फंदों के पैटर्न को रिपीट करना है। 2 फंदों पे हमने सिलाई डालनी है, एक फंदा यहाँ से ऐसे निकालेंगे, धागा लपेटेंगे इस तरह से, फिर से एक फंदा। और अब देखिए, अब की बार आगे के फंदे से हमने एक फंदा निकालना है ऐसे। अब इन 2 फंदों को निकाल देंगे, गिरा देंगे। फिर से देखिए 2 फंदों का एक फंदा इस तरह से करेंगे, 2 फंदे उतारेंगे नहीं, धागा इस तरह से, एक फंदा और बनाएंगे। अब की बार आगे के फंदे को हम बुनेंगे ऐसे, और ये देखिए फिर से 2 फंदों पे हमने सिलाई डालनी है, एक बार धागा घुमाना है सिलाई पे, फिर से एक बार बनाना है, और अब की बार आगे वाले फंदे से हमने एक फंदा बनाना है ऐसे। लास्ट में हमारा एज है, इसे हम उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारी फर्स्ट रो ओवर हो जाएगी। देखिए सेकेंड रो राइट साइड सीधी तरफ से दूसरी सिलाई देखिए हमारी कैसे बुनी जाएगी। पहला फंदा हमने उतारा, धागा पीछे किया। अब जो ये 4 फंदे हैं, इन 4 फंदों पे हमने देखिए इस तरह से सिलाई डालनी है और इसे बैक लूप से हमने बुनना है। 4 फंदों का हमने यहाँ पे एक फंदा बनाना है ऐसे। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे जो ये वाला फंदा, ये वाली जो धागा है, इसे हम उठाएंगे इस फंदे को, और यहां से हम एक फंदा बनाएंगे ऐसे। फिर से इन 4 फंदों का हमने एक फंदा बनाना है, चारों पे सिलाई डालनी है और इसे बैक लूप से बुनना है, पीछे की तरफ से बुनना है ऐसे, एक फंदा बनाना है। और यहां से हमने ये देखिए इस वाले धागे को उठा के सिलाई डाल के, और यहां से भी एक फंदा बनाएंगे ऐसे। पूरी सिलाई हम इसी तरह से बुनेंगे, 4 फंदों पे हमने सिलाई डालनी है और बैक लूप से इसे बुनना है ऐसे। और ये वाला देखिए, ये वाला धागा है, इसके नीचे से हमने एक फंदा बनाना है ऐसे। फिर से देखिए 4 फंदों पे सिलाई डाली और एक फंदा, 4 फंदों का एक फंदा बनाया ऐसे। लास्ट में भी हम यहाँ पे इस धागे को देखिए, यहाँ से इस धागे को लेंगे और एक फंदा हम यहां से बनाएंगे, एज जो है हमारा उल्टा बना जाएगा। देखिए इस तरह से हमारी सेकेंड रो राइट साइड फिनिश होगी। अब देखिए थर्ड रो बैक साइड। देखिए थर्ड रो पे पहला फंदा हमने स्लिप करना है। अब की बार हम एक फंदा पहले उल्टा बुनेंगे, इसके बाद इन 2 फंदों को हमने, 2 फंदों पे हमने डिजाइन बनाना है जैसे हमने फर्स्ट रो पे बनाया था। ये 2 फंदों पे हमने सिलाई डाली, एक फंदा निकाला और इस तरह से धागा घुमाया, फिर से 2 फंदे निकाला, दूसरा फंदा निकाला और इस पहले फंदे पे हमने एक फंदा और बनाना है ऐसे। फिर से देखिए 2 फंदों पे सिलाई डालनी है, एक फंदा निकालना है, एक बार धागा घुमाना है, फिर से 2 फंदों का एक फंदा बनाना है यहाँ पे, और आगे वाले फंदे से एक बार फिर से एक फंदा बनाना है ऐसे। फिर से देखिए एक बार 2 फंदों पे 2 फंदों का एक फंदा, धागा इस तरह से घुमाया, फिर से एक फंदा निकालेंगे और फिर से आगे वाले फंदे से एक फंदा बनाएंगे ऐसे। लास्ट में हमारे 2 फंदे बचेंगे जिन्हें हमने उल्टा बुनना है। ये हमारी थर्ड रो ओवर होगी। देखो फ्रेंड्स, फोर्थ रो हमने कैसे बनानी है। पहला फंदा हम देखिए इस तरह से उतारेंगे, धागा पीछे करना है, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। अब इन 4 फंदों का हमने एक फंदा बनाना है बैक साइड से इस तरह से।
अब देखिए इस फंदे को, इस धागे को हमने उठा के इस पे एक फंदा बनाना है, ऐसे ये बन गया। फिर से हमने इन चार फंदों पे सिलाई डालनी है, चार फंदों का हमने एक फंदा बनाना है बैक लूप से, ये देखिए इस तरह से ये बना दिया। फिर से देखिए ये वाला फंदा हम यहाँ से उठाएंगे और एक फंदा यहाँ से बनाएंगे ऐसे, फिर से इन चार फंदों का एक फंदा बनाएंगे, यहाँ से ये लूप उठाएंगे और यहाँ पे एक फंदा बनाएंगे हम ऐसे। इसके बाद इन दोनों फंदों को हम, दोनों फंदों में से एक फंदा सीधा और एक उल्टा। देखिए ये चार सिलाइयाँ हैं, इन्हीं चार सिलाइयों को फ्रेंड्स हमने बार बार रिपीट करना है। फिर से हमने फर्स्ट रो से बनाना शुरू करना है, एक फंदा स्लिप किया, दो फंदों पे हमने चार फंदे बनाने हैं, फिर दो फंदों पे चार, फिर दो पे चार, फिर दो पे चार। इस तरह से इन्हीं फोर रो को हम बार बार रिपीट करेंगे तो हमारा बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बन के आता है। ये देखिए ये डिज़ाइन हमारा बन के आएगा, बहुत ही सुंदर और आसान डिज़ाइन। आप ज़रूर एक बार बनाइए और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।